आदाब नाजरीन, एनओडी टीवी पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। जो भजनों का कार्यक्रम श्याम बाबा की रात कीर्तन का जो आयोजन हाजीकोट समाज ने आज गायत्री भवन 26 तारीख को पूरे समाज के लोगों के साथ खाली भगवान की देन, भगवान का वचन और भगवान के लिए कैसी श्रद्धा रहना उस हिसाब से रखा गया है। आज नौवीं का दिन है, भगवान की पूजा करें तो बहुत बड़ा फल मिलता है। पूरे लोगों के, मैं हमारे आदिगौरी समाज के पूरे सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि वो दिन रात इकट्ठा करके आज इतना बड़ा आयोजन गायत्री भवन में यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें हमारे संस्था संयोजक, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे प्रधान संयोजक और हमारे प्रमुख मंडल के अधिकारियों ने दिन रात 24 घंटे से ये भजन के लिए कार्यक्रम के लिए मेहनत कर रहे हैं और ये कार्यक्रम आज हर श्याम बाबा के हर भक्त यहाँ पर आ चुका है। तकरीबन 1000 आदमी से ऊपर यहाँ पर भगवान का प्रसाद ले चुका है और भगवान के सर सामने सर झुकाया है। मैं समझता हूँ हर नौजवान व्यक्ति को जो ब्राह्मण है उसको यह हर जगह रोज श्याम बाबा की पूजा करना चाहिए, श्याम बाबा को याद करना चाहिए, क्योंकि श्याम बाबा एक अवसर कलयुगी अवतार है जो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। उनके सामने अर्जी लगाने के बाद कोई भी काम अधूरा नहीं रहता, श्याम बाबा उस काम को बराबर पूरा करते हैं। लिहाजा मैं प्रेस मीडिया, हमारे समाज के वर्कर, हमारे बंधुगण, परमाश जाता, महिला अध्यक्ष और नए अधिकारियों से भगवान श्याम से प्रार्थना करता हूँ कि उनको वायु दे और वो इसी तरीके से हमारे समाज की तरक्की के लिए काम करते रहे। इसी प्रार्थना के साथ श्याम बाबा के चरणों में शीश नवाते हुए अध्यक्ष श्री किशन शर्मा एक ही अर्जी लगा रहा है भगवान से कि भगवान हमारे मंडल को इतना ऊंचा उठाए, आपकी कृपा रहे कि हम गरीब लोगों को, विद्यार्थियों को जो बिजनेस नहीं करते उनको बिजनेस में साथ देके उनकी सहायता करते रहे। आयोजन किया गया है, कुछ ही घंटों के अंदर प्रोग्राम बना और आज का ये होली के संग भक्तों के संग का जो कार्यक्रम आयोजन हमारे अध्यक्ष जी ने आयोजन किया, समाज के सभी सहयोगियों का सहयोग मिला और इस अवसर पर हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की और उन सभी जो को उन्होंने नियुक्त किया उन सभी का हार पुष्प माला द्वारा साल द्वारा उनका स्वागत किया गया। मैं आदिगौड़ विप्र समाज के परामर्शदाता की हैसियत से हमारे अध्यक्ष और सभी समाज बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। जय श्री श्याम, जय मान। मैं सुरेंद्र गौड़ आदिगौड़ विप्र समाज का उपाध्यक्ष, सबको बहुत बहुत प्रणाम, जय श्री राम। होती है कि हमारे समाज के अध्यक्ष श्री किशन शर्मा के सहयोग से आज जो कन्हैया के देखो साहब, एक मिनट देखो भाई, स्वागत हो गए।